नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड भारत आने वाले हैं। दिसंबर में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। इस विजिट से पहले उन्होंने कहा, मैं भारत दौरे के लिए तैयारी पूरी कर रहा हूँ, ये दौरा जल्द ही होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जाने से पहले उन्हें सही तरीके से होमवर्क करने की ज़रूरत है। इस काम के लिए विदेश मंत्रालय ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। चीनी समर्थक माने जाने वाले प्रचंड की भारत यात्रा कई बार टल चुकी है। पहले जानकारी दी गई थी कि वो 20 अप्रैल तक भारत का दौरा करेंगे, फिर बताया गया कि वो 28 अप्रैल को भारत आएंगे, जबकि अब जानकारी दी गई है कि उनकी भारत यात्रा मई में होगी। साल 2008 से 2009 तक प्रचंड पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें पहली बार सत्ता मिलने के पीछे भारत का अहम योगदान था। बावजूद इसके उन्होंने भारत को पसंद नहीं आने वाली चीज़ें की, जैसे पीएम पर संभालने के बाद वो भारत की जगह चीन के दौरे पर पहुंच गए। दरअसल नेपाल में जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता था तो पहला आधिकारिक दौरा हमेशा भारत करता था, लेकिन प्रचंड ने परंपरा बदल दी। इस बार पीएम बनने के बाद भारत आकर वो परंपरा को निभाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। दिसंबर में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और चीन दोनों देशों ने बधाई दी थी। इसी के साथ बने रहे।